झारखंड के 9 जिलों में कोरोना के 39 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें लोहरदगा के सिविल सर्जन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब बढ़कर 2854 हो गई है। वहीं लोहरदगा सिविल सर्जन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोरोना के रडार पर लोहरदगा जिले का पूरा स्वास्थ्य महकमा के साथ साथ जिला प्रशासन भी आ गया है, क्योंकि कोरोना काल में सिविल सर्जन कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसे में उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लिस्ट काफी लंबी हो सकती है। वहीं इलाज के दौरान अभी तक 20 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। 39 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसमें से एक RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात जवान ही है। गनीमत यह रही कि पुलिसकर्मी छुट्टी से लौटा था और ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही उसकी जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। अभी तक RJD सुप्रीमो लालू यादव सुरक्षित हैं, लेकिन उनके परिवार की चिंता बढ़ गई है। आधी सजा काट चुके लालू यादव ने जमानत याचिका दायर की है। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमितों के सबसे अधिक संख्या प्रवासियों की है। 2854 संक्रमितों में से 2109 प्रवासी हैं, जो कि लॉकडाउन में अपने राज्य लौटे और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। न्यूज़ डेस्क।